हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ IMREM सब्जेक्ट पर वीडियो। IMREM जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा थर्ड ईयर 6th सेम का सब्जेक्ट है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी ओवरऑलिंग के बारे में और ओवरऑलिंग में क्या क्या वर्क आते हैं उनके बारे में, वैसे ही आज हम अगली भी इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ DC मोटर या DC मशीन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल के, DC मशीन्स के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस DC मशीन में क्या होता है। तो जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ DC मशीन हमने लिखे हुए हैं, कि इसमें देखते हैं कि इसके द्वारा डिफरेंट टाइम पीरियड पर किए जाने वाले DC मशीन के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल का शेड्यूल इस प्रकार है। मतलब हमें जो भी हमारे शेड्यूल तैयार किया जाता है DC मशीन का, वो हमारा कुछ इस प्रकार होता है। जैसे कि हमें फर्स्ट कंडीशन में दिख रहा है इसमें डेली मेंटेनेंस, ऐसे ही इसे अलग अलग टाइप्स में मेंटेनेंस को डिवाइड किया हुआ होता है। जैसे फर्स्ट हमारा आता है इसमें डेली मेंटेनेंस, वीकली मेंटेनेंस, मंथली आता है इसमें, एनुअल आता है, और फिर वो सॉरी हाफ अर्ली आता है और फिर एनुअल आता है। तो अलग अलग रूटीन के हिसाब से हम इसे मेंटेनेंस करते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट डेली मेंटेनेंस में दिख रहा होगा कि ये मेंटेनेंस कौन सा होगा जो हमें DC मशीन के ऊपर डेली मेंटेनेंस करना होगा, मतलब उसकी देख रेख डेली करनी होगी। तो इसमें हम बात करें तो इसमें DC मशीन के निम्न पार्ट्स की देखभाल की जाती है, मतलब इस मेंटेनेंस में मशीन के निम्न पार्ट्स की देखभाल की जाती है। वो देखते हैं कि हमारे कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। जैसा हमें फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि मशीन की अर्थिंग की चेकिंग, मतलब जो भी हमारी DC मशीन है उसकी अर्थिंग की चेकिंग करी जाएगी। सेकेंड कह रहा है कि कनेक्शन लीड्स की चेकिंग, जो भी हमारे कनेक्शन लीड्स यूज़ हो रहे हैं इसमें उनकी चेकिंग की जाएगी। थर्ड है हमारा कि ओवर हीटिंग की चेकिंग, मतलब हमारी DC मशीन जो है ओवर हीटिंग तो नहीं कर रही है, उन सारी कंडीशन की चेकिंग होगी। फोर्थ कह रहा है कि स्टार्टर की चेकिंग, जो हमारा स्टार्टर इसमें यूज़ हो रहा है उसकी चेकिंग की जाएगी। ये सारे हमारे आएंगे डेली मेंटेनेंस में, मतलब ये सारी चेकिंग हमें डेली की डेली करनी है। और फिफ्थ आएगा हमारा वेयरिंग की चेकिंग, मतलब जो भी उसमें हमारा शाफ्ट में जो भी हमारे वेयरिंग यूज़ हो रहे हैं उनकी चेकिंग। अब वेयरिंग की चेकिंग में क्या करेंगे हम, उसमें लुब्रिकेंट या ऑयल की जाँच करेंगे, मतलब वो सूखे तो नहीं चल रहे हैं, तो ये सारी जांच करेंगे उसके अंदर। अगर सूखे चल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर हम लुब्रिकेंट डाल के उन्हें मतलब फ्री कर देंगे वायरिंग को। फिर कह रहा है इसमें कि ऑयल की चेकिंग, मतलब जो हमारे इसमें वायरिंग या पार्ट्स ऑयल वाले पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं उनमें ऑयल की चेकिंग करेंगे, जिसमें कह सकते हैं कि अगर ऑयल की कमी होगी तो वो आवाज़ करने लग जाते हैं, और ऑयल उसमें अगर हम डाल देंगे तो आवाज़ करना बंद कर देंगे। तो ये सारी चेकिंग हमारी डेली मेंटेनेंस में आती है। नेक्स्ट है हमारा ऑयल रिंग की चेकिंग, जो हमारी ऑयल रिंग्स इसमें यूज़ हो रही हैं उनकी चेकिंग करेंगे। सेवन कह रहा है कि कम्यूटेटर स्पार्क की टेस्टिंग, जो हमारा कम्यूटेटर स्पार्क लगा होता है उसकी टेस्टिंग भी करेंगे इसमें, या चेकिंग करेंगे ठीक कि वो सही से स्पार्क कर रहा है या नहीं। फिर कह रहा है कि कार्बन ब्रश की चेकिंग, जो हमारे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं उनकी चेकिंग करेंगे। चेकिंग में क्या है उनकी, कि वो डैमेज तो नहीं हुए हैं और उनका सरफेस ज़्यादा रफ तो नहीं हुआ है। फिर है नेक्स्ट हमारा ब्रश होल्डर की चेकिंग, मतलब जो हमारे ब्रश को होल्ड करने के लिए लगे हुए हैं ब्रश होल्डर, उनकी चेकिंग कर लेंगे कि ठीक से वर्क कर रहे हैं या अपनी जगह ठीक से लगे हुए हैं या नहीं। तो ये सारी चेकिंग हम किस में करेंगे, डेली मेंटेनेंस में ठीक। वैसे ही अब इससे आगे हम बात करें तो इसके बाद आता है हमारा वीकली मेंटेनेंस, कि हमारा वीकली मेंटेनेंस कौन सा हो सकता है DC मशीन की कंडीशन में। तो फर्स्ट कह रहा है इसमें कि मशीन के नट बोल्ट की चेकिंग, मतलब जो भी हमारे मशीन में नट बोल्ट यूज़ हो रहे हैं उनकी चेकिंग किस में आएगी, हमारी वीकली मेंटेनेंस में आएगी, तो ये सारी चेकिंग कर लेंगे। सेकंड कह रहा है कि बेस के नट बोल्ट की चेकिंग, मतलब जो हमारा DC मशीन का बेस है, जहाँ हमारी मशीन फिक्स करी गई है बेस के साथ, उन सारे नट बोल्ट की भी चेकिंग हम इसमें कर लेंगे, मतलब उनकी भी जांच हम इसमें कर लेंगे। थर्ड कह रहा है कि टर्मिनल कनेक्शन की चेकिंग, मतलब जो हमारे टर्मिनल कनेक्शन इसमें यूज़ हुए हैं उनकी चेकिंग कर लेंगे कि कोई टर्मिनल लूज़ तो नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है फोर्थ कि स्टार्टर तथा रोटर के बीच एयर गैप की चेकिंग, मतलब जो हमारे स्टार्टर और रोटर के बीच एयर गैप है उसकी भी जाँच हम कर लेंगे। फिफ्थ कह रहा है कि कार्बन ब्रश सरफेस की चेकिंग, मतलब जो हमारे कार्बन ब्रश इसमें यूज हो रहे हैं उनकी सरफेस की भी जांच कर लेंगे कि ज़्यादा रफ तो नहीं हो गए हैं ठीक। तो ये कंडीशन क्या है हमारी, डेली मेंटेनेंस में आती है। इसके आगे हम बात करते हैं फिर मंथली मेंटेनेंस की, मंथली मेंटेनेंस हमारा DC मशीन का क्या क्या हो सकता है। तो इसमें हम फर्स्ट में देखें कि मशीन के वेयरिंग की चेकिंग, मतलब जो हमारा मशीन की शाफ्ट में वेयरिंग यूज़ हो रहा है उसकी चेकिंग करेंगे। अब उसकी चेकिंग में क्या करेंगे हम, वही लुब्रिकेंट की चेक करेंगे उसमें और ऑयल की चेकिंग करेंगे, मतलब ज़्यादा आवाज़ वगैरह तो नहीं कर रहा, ये सारी चेकिंग उसके अंदर
कर लेंगे, अगर आवाज़ कर रहा होता है तो उसके अंदर लुब्रिकेंट डाल देते हैं। ठीक, सेकंड कह रहा है कि कार्बन ब्रश सरफेस की चेकिंग, मतलब जो हमारे कार्बन ब्रश यूज़ हो रहे हैं उनके सरफेस की चेकिंग। तो ये कार्बन ब्रश सरफेस की चेकिंग तो सारे शेड्यूल में आएगी, मतलब उसका डेली मेंटेनेंस करेंगे तब भी, वीकली करेंगे तब भी, मंथली करेंगे तब भी, एनुअल करेंगे तब भी। ठीक, तो सारी कंडीशन में हमारी कार्बन ब्रशेस का सरफेस की चेकिंग आनी आनी है। थर्ड कह रहा है कि मशीन के कंट्रोल इक्विपमेंट्स की चेकिंग, मतलब जिसके द्वारा हमारी मशीन कंट्रोल हो रही है, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उनकी सबकी भी चेकिंग हम कर लेंगे कि ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद आता है हमारा हाफ ईयरली मेंटेनेंस। या हाफ ईयरली मेंटेनेंस हमारे क्या क्या हो सकते हैं डीसी मशीन में? तो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट है पूरी मशीन को खोलकर उसकी सफाई करना, मतलब जो हमारी मशीन है उसको पूरे पार्ट्स को खोल लेंगे और उनकी सफाई करके वापस उसको असेंबल कर देंगे। तो ये किस में आती है हमारी हाफ ईयरली मेंटेनेंस में। सेकेंड कह रहा है कि मशीन के पार्ट्स पर लगी जंग को हटाना, मतलब जो भी हमारे पार्ट्स हम खोलेंगे इसमें, उसमें क्या होगा कि अगर किसी पार्ट्स पर जंग कोरोजन लगा है तो उसे क्या कर देंगे, साफ़ कर देंगे या हटा देंगे। थर्ड कह रहा है कार्बन ब्रश के डैमेज होने की चेकिंग, मतलब कार्बन ब्रश की चेकिंग कर लेंगे, हमारे कार्बन ब्रश डैमेज तो नहीं हुए हैं और रफ तो नहीं हुए हैं। तो सारी कंडीशन हम इसमें हाफ ईयरली मेंटेनेंस में भी देख लेंगे। उसके बाद कह रहा है हमारा बेयरिंग में ऑयल तथा लुब्रिकेंट की चेकिंग, मतलब जो भी हमारे बेयरिंग लगे हुए हैं उसमें लुब्रिकेंट और ऑयल या ग्रीस की चेकिंग कर लेंगे, जिससे हमारे वो फ्रीली वर्क कर सकें, मतलब ज़्यादा उसमें आवाज़ वगैरह ना हो। ये सारी कंडीशन हम किस में देखेंगे, हाफ अर्ली मेंटेनेंस में। वैसे ही अगर हम बात करें इसके आगे तो एनुअल मेंटेनेंस आती है। एनुअल मेंटेनेंस में देखते हैं हमारी कौन कौन सी कंडीशन आ सकती हैं। तो फर्स्ट हमारी एनुअल मेंटेनेंस में आती है हाई स्पीड पर चलने वाले मशीन में यूज बेयरिंग की चेकिंग, तो जो हमारी हाई स्पीड पर चलने वाली मशीन है, डीसी मशीन है, उनमें क्या करेंगे वेयरिंग की जांच कर लेंगे। वेयरिंग की जांच में क्या करेंगे, वही ल्यूब्रिकेंट और ऑयल की जांच उसमें कर लेंगे। ठीक, और देख लेंगे कि किसी प्रकार की हमारी बेयरिंग से आवाज़ तो नहीं आ रही है। सेकेंड है हमारा मशीन को खोलकर एयर प्रेशर द्वारा साफ़ करना, मतलब मशीन के जो भी पार्ट्स होंगे या मशीन के अलग अलग पार्ट्स होंगे उन्हें क्या करेंगे, खोल लेंगे। खोलने के बाद क्या करेंगे, एयर प्रेशर या तेज़ प्रेशर के साथ उन्हें साफ़ कर देंगे, मतलब उनके अंदर से डस्ट वगैरह को हटा देंगे। फिर आता है हमारा थर्ड, लगभग 365 × 24 इज इक्वल 8760 आवर्स चलने वाली मशीन की ओवरऑलिंग करना, मतलब इतने घंटे अगर हमारी मशीन चल गई है तो उसकी ओवरऑलिंग करेंगे। ओवरऑलिंग बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि ओवरऑलिंग क्या होती है, तो वो सारी कंडीशन देख लेंगे इसमें, ओवरऑलिंग कर लेंगे मतलब मशीन की। ठीक, अब इसके आगे आता है हमारा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, मैगर द्वारा अर्थिंग की टेस्टिंग, मतलब मैगर के द्वारा हम क्या कर लेंगे, जो भी हमारी डीसी मशीन है उसकी अर्थिंग की जांच या अर्थ रेजिस्टेंस की जांच कर लेंगे। फिफ्थ कह रहा है कि अर्थ टेस्टर द्वारा अर्थ रेजिस्टेंस की जांच, रेजिस्टेंस की टेस्टिंग, मतलब जो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस है उसकी टेस्टिंग भी कर ली जाएगी इसके अंदर ही, किसमें, एनुअल मेंटेनेंस में। फिर इसके बाद कह रहा है सिक्स में कि मशीन के रोटर स्टेटर के बीच एयर गैप की जाँच, जो हमारा मशीन का रोटर स्टेटर लगा है उनके बीच एयर गैप की जांच भी हम इसी के अंडर में कर लेंगे। ठीक, तो इसमें अगर हम और बात करें एनुअल मेंटेनेंस में, अगर हम बात करें तो जैसे कह रहा है कि मशीन को, सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि मशीन को खोलकर एयर प्रेशर द्वारा सफाई करना, मतलब उसकी एयर प्रेशर द्वारा सफाई करना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि अगर हमारी बाइंडिंग पर वार्निश की कमी हो जाती है तो उसमें क्या करेंगे हम, वार्निश डालकर उसे इंसुलेटेड कर देंगे। इंसुलेटेड करने के बाद क्या करेंगे, उसे सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर से असेंबल उसे करके यूज़ में ले सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन हमारी आती हैं एनुअल मेंटेनेंस में। ठीक, एनुअल मेंटेनेंस में तो जैसा कि हमने इस वीडियो में कौन कौन सी मेंटेनेंस के शेड्यूल देखे हैं, मेंटेनेंस हमने देखी डेली मेंटेनेंस होती है डीसी मशीन में हमारी, और फिर उसके बाद कौन सी होती है, वीकली मेंटेनेंस होती है हमारी, फिर इसके बाद होती है हमारी मंथली मेंटेनेंस, और इसके बाद होती है हाफरली, और लास्ट में आती है हमारी एनुअल मेंटेनेंस। तो ये सारी मेंटेनेंस थी हमारी डीसी मशीन की, मतलब डीसी मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल था। ठीक, कि हमारी डीसी मशीन में कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल में आती हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे की कंडीशन की, हमारी प्रिवेंट जो हमारी डीसी मशीन होती है उसमें फॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं और उनके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, उन सब के बारे में, कि मतलब हमारी मशीन डीसी मशीन में किस किस पार्ट्स में क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं और उन फॉल्ट के कॉजेज या कारण क्या हो सकते हैं। ठीक, उन सब के बारे में जांच करें देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जाने वाली है ये वीडियो हमारी, तो
जो भी है हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं अक्सर हमारे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, मशीन से, ट्रांसफार्मर से, ठीक, या ओवरहेड लाइन से। तो उसमें भी आगे हम वीडियो बनाएंगे कि ओवरहेड हेडलाइन हमारी क्या होती है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या फॉल्ट हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से आता है हमारा, कि जैसे अगर हम कहें तो किसी एक की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल तैयार करने को आ जाएगा, या फिर वो दे देगा कि इस मशीन में क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं उनके कॉजेस को बताइए, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो सबको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना तो फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल ना भूलें, जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी मज़ेदार वीडियो में और इम्पोर्टेंट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।